क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षित हैं आप दिल्ली में रहती हैं? मैं तो सुरक्षित हूँ। आफ्टर 9 मैं अकेले नहीं निकल सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि अगर मेरे साथ कोई मेरा मेल फ्रेंड नहीं है तो मैं नहीं जा सकती। पुरुष सुरक्षित हैं, महिलाओं से ज़्यादा तो पुरुष सुरक्षित हैं, ये मैं मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल सेक्रेटरिएट और दिल्ली के गलियारे का 11वां एपिसोड आप लोग देख रहे हैं। आज का मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाएं बोलेंगी या नहीं बोलेंगी ये तो हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने बहुत सारे केस सुने होंगे, साक्षी मर्डर केस सुना है और बहुत सारे ऐसे केस सुने हैं, जैसे कांग्रेस में, कर्नाटका में कांग्रेस की निगम पार्षद की बेटी की हत्या कर दी गई, लव जिहाद एंगल दिया गया है। तो ये इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या इस समय किसी भी राज्य में महिला सुरक्षित है या नहीं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़े सारे कदम उठाए हैं। जैसे आप देखोगे कि दिल्ली की DTC की बस के अंदर हर जगह के अंदर कैमरे हैं, एक गार्ड की नियुक्ति की गई है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है मतलब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे महिलाओं की सेफ्टी बढ़े और लेडीज़ भी आजकल जो है बड़ी अवेयर हो रखी हैं। बड़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनके थ्रू जो हैं वो अपने नज़दीक अपने रिश्तेदारों को कम्युनिकेट करके और बता सकती है कि वो कौन सी अपनी लोकेशन के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे बड़े सारे ऐसी इनिशिएटिव्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, शासन भी ध्यान दे रहा है और महिलाएं भी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही हैं, वो भी अपना इस सतर्क हैं। अगर सरकार की तरफ से नियमों की बात की जाए तो किन किन नियमों को लागू करना चाहिए महिलाओं के लिए? देखिए, इस टाइम पे तो वैसे काफ़ी सारे नियम ऑलरेडी लागू हैं, बड़े सारे ऐसे कानून भी हैं। अगर कोई अंडर एज महिला है तो पॉक्सो एक्ट लागू है, अगर बस में किसी लड़के के साथ कोई छेड़खानी होती है, कहीं रास्ते में किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी होती है, तो बड़े सारे ऐसे एक्ट हैं। महिलाएं स्पेशल वोमेन सेल भी मौजूद हैं दिल्ली के अंदर और हर एक 4-5 जेंट्स के साथ लेडीज़ भी मौजूद मिलती हैं। तो मतलब लेडीज़ आजकल फ्रीली रोम कर सकती हैं, 3 बजे रात को, चाहे 2 बजे हों, चाहे 5 बजे हों, और ईजिली उन्हें प्राइवेट जो हैं रैपिडो और ओला उबर की कैब्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो आई थिंक लेडीज़ आर सेफ इन सिटी राइट नाउ। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षित हैं आप दिल्ली में रहती हैं? मैं तो सुरक्षित हूँ। सुरक्षित हो? फील करती हूँ रात के 9 बजे 8 बजे? बिल्कुल भी नहीं, जान निकलते ही नहीं है। अच्छा, निकलते ही नहीं है, क्या ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इतनी अनसेफ्टी क्यों है? माइंडसेट की वजह से। माइंडसेट जो हमें सिखाया जा रहा है वो लड़कों को सिखाया नहीं जा रहा है कि गर्ल्स को सेफ रखना है कि नहीं रखना है। अच्छा, तो आपको लगता है कि चीज़ों में बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सबसे पहले माइंडसेट में बदलाव होना चाहिए। जो बॉयज़ के पेरेंट्स होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि लड़कों का बाहर क्या कराया जा रहा है, लड़के बाहर क्या कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता है। तो वही है ना, माइंड सेट है लोगों का अभी भी पहले ही जैसा ही, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में रहने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करते? रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर निकल, पेरेंट्स ही नहीं जान देते तो क्या? पेरेंट्स ही नहीं जाने देते। साक्षी मर्डर केस, ऐसे बहुत सारे मर्डर केस हुए, हाँ, दिल दहलाने वाले थे। तो आपको लगता है कि सुधार हुआ है, नई दिल्ली बनी? नहीं, सुधार तो नहीं मेरे हिसाब से। दिल्ली में रहने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? सेफ है या नहीं है दिल्ली? सुरक्षित है दिल्ली आप लोगों के लिए? आफ्टर 9 मैं अकेले नहीं निकल सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि अगर मेरे साथ कोई मेरा मेल फ्रेंड नहीं है तो मैं नहीं जा सकती। हाँ, किस बात का डर? जो इंसिडेंट्स होते हैं तो उसका है, अभी जो निर्भया हुआ था या उसके बाद भी जो भी इंडिया में होता है तो उसका थोड़ा डर रहता है कि हम सेफली आराम से रात में जैसे लड़के घूमते वैसे ही तो इंडिपेंडेंटली घूम नहीं सकते। दिल्ली सुरक्षित है या नहीं? मैम, इंसिडेंट्स तो एवरीडे होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो रहे हैं या कभी तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं, एवरीडे होते रहते हैं। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो मैं तो महाराष्ट्र मुंबई में ट्रैवल की हूँ, तो आफ्टर 6 o'clock या 7 o'clock उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती वीमेन की। तो कह सकते हैं अभी जो चीज़ें हम जानते हैं, जिन प्लेसेस के बारे में जानते हैं उनके बारे में उतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट बाकी इलाकों में अगर जा रहे हैं, जैसे अलग अलग फील्ड में आप ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कह सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली सुरक्षित है या नहीं? कुछ प्लेस ऐसे हैं जो ज़्यादा हजार्डियस है, लाइक मैं नागलोई से आती हूँ, तो आफ्टर 7 o'clock ऐसा होता है कि रिक्शा, ई रिक्शा नहीं मिलते, और वहाँ पे वो फाटक क्रॉस करके वो ई रिक्शा तक पहुँच पाना वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है कि रॉबरी के केस, मर्डर के केसेस होते रहते हैं, इवन गर्ल्स के लिए बहुत अनसेफ प्लेस है। तो हमारे लिए कई बार ऐसा होता है कि साथ के बाद भी हमें काम होता है, कुछ हमें स्टे करना होता है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमें घर जल्दी जाना है क्योंकि वो एरिया अनसेफ है। तो ऐसा होता है, इवन गवर्नमेंट को ऐसे क्या एक्शन लेने चाहिए जिससे आप लोग सुरक्षित महसूस कर पाए? गवर्नमेंट को आई गेस
लाइक सबसे पहले तो जानना ये आई गेस दे कैन फॉर्म अ कमिटी और उसमें जो फीमेल्स है हमारी कुछ राय ले सकते हैं, क्योंकि आई गेस एरिया बाय एरिया वेरी करता है जो ये प्रॉब्लम है ना, वो भी एरिया बाय एरिया वेरी करता है। किसी एरिया में हो सकता है कि IDUs इंसेक्टिव ड्रग यूजर्स ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी एरिया में ऐसे जो रॉबरी ज़्यादा होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग एरिया टू एरिया जो है वो ले सकते लाइक राय ले सकते हैं लोगों का, पब्लिक का, कि क्या प्रॉब्लम है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम वो कोई इंटरवेंशन ड्राइव कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और प्लेस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने चाहिए अपने, और कुछ ऐसे पॉलिसीज या फिर स्कीम्स लाने चाहिए जिससे कि इंश्योर हो सके सेफ। पर वही जैसे कि इसने एरियाज़ का नाम लिया, कुछ और एरियाज़ है जहाँ पे नहीं फील होता है, तो वहाँ पे इंटरवेंशन किया जा सकता है। पुरुष सुरक्षित हैं, महिलाओं से ज़्यादा तो पुरुष सुरक्षित हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे आप जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम तो चाहे वो दिल्ली हो या गाँव हो, प्रॉब्लम तो हर जगह है। ये कहीं इसमें मैं समाजकार का छात्र हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ समस्याओं को, मैं रिलेट करता हूँ, और आज मैं दिल्ली में जैसे 5 साल से हूँ। आपने पूछा कि पुरुष सुरक्षित हैं क्या? नहीं, पुरुष सुरक्षित हैं, महिलाओं से ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कुछ पॉलिसी और कुछ महिलाओं द्वारा मिसयूज हो रहा पुरुषों के लिए, हमें वो भी देखना पड़ेगा। प्लस महिलाओं के लिए जैसे आप बोल रहे कि क्या स्टेप उठाया जाए, पहले तो समझना होगा कि ये अपराध कौन कर रहा है, हालांकि ये पुरुष ही कर रहा है क्या महिला कर रही है, तो हमें उन पुरुषों को भी समझाना पड़ेगा और उन महिलाओं को भी समझाना पड़ेगा कि ये अपराध को हम कैसे कम करें। उसी के साथ साथ सरकार जो है, सरकार भी जैसे कदम, जैसे मार्शल हो, पुलिस ट्रैफिकिंग हो, या जो छोटे मोटे रूल्स हैं लोकल जगह पर, तो स्टीरियोटाइप है, ऐसी सारी चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित है या गाँव सुरक्षित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाहर, और यहाँ पर अधिकतर लोगों का कहना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं भी और नहीं भी हैं। अगर सरकार को लाने चाहिए तो नए नियम लाने चाहिए, नए कानून लाने चाहिए जिससे वो खुद को महफूज महसूस कर सके। ये था दिल्ली के गलियारे का 11वां एपिसोड। ऐसे ही ताज़ा एपिसोड देखने के लिए पंजाब केसरी.com को फॉलो करना ना भूलिए। बने रहिए डिंपल चुमाल कैमरामैन विकी के साथ। धन्यवाद।